आ रहे सोयाबीन के दामों से पशुपालन और पशु आहार बनाने वाले उद्योग पर उत्पादक कारोबार पर प्रतिबंध की मांग रख दी है। एसोसिएशन ने केंद्रीय डेयरी पशु और मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला को पत्र लिखकर ये मांग की है। सोयाबीन के दाम देश की मंडियों में 6000 के ऊपर पहुंच गए हैं। सरकार ने बीते सीजन के आखिर में देश की पोल्ट्री इंडस्ट्री को 12 लाख टन सोया DOC आयात की अनुमति दी थी। इस अनुमति के तहत 6.5 लाख टन आयात हो चुकी है। पोल्ट्री ब्रीडर्स एसोसिएशन ने मांग रखी है कि मार्च 2022 तक शेष DOC आयात की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए। एसोसिएशन के अध्यक्ष ने इस बारे में ज्ञापन केंद्रीय मंत्री को भेजा है। इसमें लिखा है कि देश में सट्टेबाजी का सोयाबीन की अनियंत्रित और अव्यवहारिक कीमतों में बड़ा योगदान है। इस समय सोयाबीन की कीमतें 4000 से 5000 रुपये क्विंटल होनी थी, जो 6000 से 6200 रुपये हैं। एसोसिएशन के अनुसार विदेशी DOC देश के बंदरगाहों पर टैक्स के साथ 41000 रुपये प्रति टन की कीमत पर आ रही है, जो भारतीय DOC से सस्ती है। इससे पशुपालन उद्योगों को संकट से राहत मिलेगी, साथ ही आयात से सरकार को भी करीब 350 करोड़ रुपए की आय हो सकेगी। दूसरी ओर देश में सोयाबीन महंगा होने से DOC निर्यात घट गया है। अक्टूबर में निर्यात 78% घटकर 30000 टन रह गया। वहीं बीते साल अक्टूबर में निर्यात 1.35 लाख टन था। मंगलवार को पूरे देश की मंडियों में सोयाबीन की आवक करीब 7.5 लाख बोरी दर्ज की गई थी, जिसमें मध्य प्रदेश में 3,80,000 बोरी से ज्यादा की आवक बताई गई। इससे सोयाबीन की कीमतों में कुछ गिरावट देखने को मिली है। मंडियों में सोयाबीन के दाम 5,500 से 6,000 और प्लांट खरीदी भाव 5,900 से 6,100 रुपये प्रति क्विंटल तक बोले गए। सोया तेल में लगन सरा वालों की अच्छी खरीदी रहने से भाव मजबूती पर टिके हुए हैं। मंगलवार को सोयाबीन तेल 1230 से 1235 रुपये प्रति 10 किलो पर स्थिर रहा था। वहीं मलेशियम पाम तेल वायदा नवंबर महीने के पहले 15 दिनों में निर्यात के आंकड़ों में बढ़ोतरी के कारण लगातार मजबूत हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स।